हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस का, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक, लास्ट का है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, इस वजह से है, क्योंकि एक ऐसा एनर्जी जो असीमित है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मतलब इसका अगर फ्यूचरिस्टिक बात करें हम, फ्यूचर आने वाले समय में, तो आने वाले समय में इस चीज का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है, इसका एप्लीकेशन। जैसे कि हमारे पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से सोलर एनर्जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर सेल, तो सोलर एनर्जी में काफी ज्यादा वो उनका कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है और काफी ज्यादा उसके लिए वो रिवॉल्यूशन ला रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है, आखिर क्या कारण है कि वो सोलर एनर्जी पर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, इतना ज्यादा डेडिकेटेड हैं? शायद इसलिए ये, क्योंकि ये अनकंट्रोल सोर्स ऑफ एनर्जी है और आई थिंक ये धरती के, इस ग्लोब के हर एक पार्ट पर पहुंचता है और इसलिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसका यूटिलिटी देखेंगे हम लोग, आज सोलर एनर्जी का यूटिलिटी देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है। राइट, तो जिस डिवाइस के साथ, जिस डिवाइस के कारण, जिस डिवाइस के हेल्प से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो डिवाइस कोई और नहीं, ये अपना सोलर सेल है। तो आज हम लोग सोलर सेल के बारे में जानेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी को, मीन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो नाम से तो समझ में आ गया, इतना अभी तक तो समझ में आएगा कि ये ऐसा डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट, तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर हमें पेपर में आए, मे बी पेपर आएगा, क्योंकि एक दो साल से हिंट्स दे रहा हूं कि एक दो साल से सोलर सेल पूछा नहीं है, तो मे बी कि इस बार पूछ ले। राइट, तो सोलर सेल, तो डेफिनेशन तो हम लोग ऐसे ही देख के पता मालूम पड़ गया सोलर सेल क्या होता होगा। सोलर सेल क्या लिख सकते हैं? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, आप सब बोलेंगे कन्वर्ट, सोलर एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, मैं भी, हाँ क्यों नहीं कह सकते हैं, सोलर से तो लाइट ही आता है ना, सन से, तो हम लोग यहां ब्रैकेट में ना लाइट एनर्जी कह देंगे, लाइट एनर्जी विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू क्या बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड क्या? सोलर सेल। ओके फाइन, तो बच्चों ये सोलर सेल हम किस में पढ़ रहे हैं? ये सोलर सेल पढ़ रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन किसका? पीएन जंक्शन डायोड का, स्पेशल 4-4 टाइप का स्पेशल एप्लीकेशन होता था, जिसमें से लास्ट है सोलर सेल। पहला क्या था, जल्दी से रिवीजन मार लो एक साथ। पहला था 4 स्पेशल एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड का। पहला था जेनर डायोड, जो कि हाईली डोप्ड होता था और रिवर्स बाइसिंग होता था। राइट, किसमें यूज होता था? तो स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजिंग करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा था फोटोडायोड, काफी इंपॉर्टेंट फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या था? वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता। सर ये भी तो लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये भी तो फोटोडायोड। हाँ यार, फोटोडायोड ये भी है, इसे भी एकदम फोटोडायोड हम लोग कह सकते हैं। राइट, अभी बताएंगे थोड़ी देर में कैसे, बिल्कुल वही फंक्शन है, इवन वही है। राइट, तो फोटोडायोड काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लें आप। ठीक है, ओके। तीसरा था हमारा एलईडी। एलईडी में हम लोग पढ़े हैं, एलईडी एक इकलौता एक ऐसा एप्लीकेशन था पीएन जंक्शन डायोड का, जिसमें कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस था। राइट, फॉरवर्ड बायस था और साथ ही उसका जो डॉपिंग लेवल था वो भी हाई रखते थे। और उसमें क्या होता था, उसमें रिकॉम्बिनेशन होता था इलेक्ट्रॉन और होल्स का, और वो एनर्जी रिलीज करता था। वो किस फॉर्मेट में, अगर हमारा वो विजिबल रेंज में आता है तो वो हमें दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। राइट, आज अब लास्ट है सोलर सेल। सोलर सेल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है,
तो ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये किसका बना हुआ होता है, आप लिख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ, ऑब्वियसली किसी और का नहीं, जिसका एप्लीकेशन है क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ये किसका बना हुआ है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड का। ओके, बाइसिंग लिखना है क्या, बाइसिंग, आप लोग तो सोच रहे होंगे बाइसिंग, बच्चों इसलिए खासियत है सोलर सेल का, इसलिए खास है सोलर सेल क्योंकि इसमें बाइसिंग की जरूरत नहीं होती है। बहुत बड़ी बात, बड़ी बात नोट करें आप, ये इसलिए खास है सोलर सेल क्योंकि इसमें बाइसिंग की जरूरत नहीं होती है, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ बाइसिंग वोल्टेज। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे, ये बड़ी बात, आज की बड़ी बात क्या है, देयर इज नो नीड ऑफ बाइसिंग वोल्टेज की कोई जरूरत नहीं है इसमें, राइट। तो एक शब्द बता रहे हैं, उसको पूछना नहीं है, हम 5 से 10 मिनट बाद वो खुद डील कर देंगे। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, इट वर्क्स अंडर फोटो वोल्टेइक मोड। ये जो है ना, फोटो वोल्टेइक मोड के अंदर काम करता है। ये क्या होता है फोटो वोल्टेइक मोड, सब सोच रहे होंगे, हम थोड़ी देर में जानेंगे इस फोटो वोल्टेइक मोड को। ठीक है, हम जानते हैं फोटो वोल्टेइक मोड को, उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाएंगे। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें, ये पॉइंट्स कुछ हैं जो आपको सोलर सेल जब पूछा जाए एग्जाम में तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद डायग्राम बनाने हैं, उसके बाद यूज भी खत्म, उसके बाद खत्म सोलर सेल। ठीक है, आप इस पॉइंट को जल्दी से नोट करें, हम लोग जानने वाले हैं फोटो वोल्टेइक मोड क्या होता है। बच्चों आप चाहें ना तो एक एक्स्ट्रा चीज खुद से जोड़ सकते हैं आप, कि ये तो सेम चीज है, क्या है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब फोटोडायोड है। हाँ, ये फोटोडायोड है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट को, नोट करें, तो हम लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्या, इट वर्क्स सिमिलर टू फोटोडायोड। हाँ, बस एक अंतर है फोटोडायोड और सोलर सेल में, कि फोटोडायोड में बाइसिंग की जरूरत हुई थी, किस तरह की बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, और सोलर सेल में बाइसिंग की जरूरत नहीं होती है, इसलिए फोटोडायोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर सेल। फिर से सोलर सेल बिल्कुल ही फोटोडायोड है, नो डाउट, बट एक बहुत बड़ा अंतर है, जबरदस्त का अंतर है, वो क्या है कि फोटोडायोड में बाइसिंग की जरूरत होती है और सोलर सेल में बाइसिंग की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये खास है, राइट। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट करने के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, और कंस्ट्रक्शन पढ़कर हम लोग जानने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो लेट्स गो, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मिटाऊं क्या, थोड़ा सा मिटा दो सर, अच्छा कोई बात नहीं, ये रहा कंस्ट्रक्शन, ये कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों सोलर सेल, आपको पूछा जाएगा तो एग्जाम में, आपको इसी तरह से सोलर सेल डिजाइन करना है, और इसके बारे में हम थोड़ा समझा दें आपको कि ये किस तरह से डिजाइन किया गया है। बच्चों ये बिल्कुल ऐसे, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ऐसे आपने इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड अब तक पढ़ा है तो आप उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से समझे। तो ये रहा बच्चों पी साइड, और ये रहा एन साइड, जो नीचे है पी और ऊपर है एन। ठीक है, ये P हो गया और ये N हो गया, इसमें थोड़ा सा एक पोटेंशियल बैरियर आता था ना, ये देखिए कुछ इस तरह से आता था ना, इस तरह से हम लोग यहां पे इस तरह से डिजाइन करेंगे, राइट। ओके, ये था P टाइप, ये P साइड और ये N साइड, इसको अब हम क्या करते हैं यहां पे, इसे इस रीजन को क्या कहेंगे, डिप्लेशन रीजन। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या इस डिप्लेशन रीजन में कोई चार्ज है, अलग तरीके से पूछते हैं, क्या इस डिप्लेशन रीजन में होल है, नहीं। क्या इस डिप्लेशन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो क्या इस डिप्लेशन रीजन में कुछ नहीं है, सर है, देयर इज ए
देयर इज एटम इन दिस डिप्लेशन रीजन, राइट। तो ढेर सारा सिलिकन का एटम है इस रीजन में, खाली तो नहीं है, ब्लैंक तो नहीं है, बिल्कुल चार्ज नहीं है, बट एटम्स तो है, राइट। अब इस एटम्स पे क्या करते हैं, बिल्कुल फोटोडायोड की तरह इस पर सन की लाइट्स को हम इंसिडेंट करवाते हैं, सन लाइट्स को इंसिडेंट करते हैं, और हम जानते हैं सन के पास कितनी एनर्जी होता है, एच म्यू फोटॉन्स, इतनी एनर्जी होता है किसके पास, सन के पास। तो ये एनर्जी गिरने से क्या होता है, थोड़ा एक झलक देखते हैं, राइट। कई बार दो तीन बार देख चुके हैं, फिर आज एक बार देखते हैं। मान लो ये बच्चों एक एटम यहां से उठाया और यहां पे जूम कर दिया, ये एटम हुआ, राइट। इसमें चार इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 4, 3, 4, चार इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सन के लाइट्स को एटम पर इंसिडेंट करवाते हैं, ये सन का लाइट्स और यू ये लाइट्स को इंसिडेंट करवाया, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकन, आपस में एक बॉन्डिंग ड्यूटी पूरा कर रहा है, राइट। मतलब कुछ एनर्जी के साथ वो बाउंडेड है, किसके साथ, सिलिकन सिलिकन के साथ, सिलिकन सिलिकन नेटवर्क स्ट्रक्चर जो याद होगा कुछ, पी टाइप एन टाइप में बताया था। तो उस एनर्जी को, अगर ये जो इंसिडेंट एनर्जी एच म्यू है, अगर ये एनर्जी इसके एनर्जी से ज्यादा है, तो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री, राइट। तो ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और यहां क्या क्रिएट हो गया, एक होल, यहां पे क्या क्रिएट हुआ, एक होल। इससे पहले कि ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में फिर से रिकम्बाइन कर जाए, इससे पहले कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और ये होल आपस में फिर से रिकम्बाइन कर जाए, हमें क्या करना होता है, इस इलेक्ट्रॉन को, इस होल को सेपरेट कर लेना होता है। फोटोडायोड में तो सेपरेशन जो करते थे हम, वो लोग वो बाइसिंग अप्लाई करके करते थे, इसलिए बड़े आराम से सेपरेट हो जाता था इलेक्ट्रॉन्स और होल, लेकिन इसमें तो बाइसिंग अप्लाई करते नहीं है, फिर कैसे सेपरेट होगा, तो जानते हैं हम कैसे सेपरेट होगा। अब इस पीएन जंक्शन डायोड में इसके कारण जंक्शन फील्ड होता था, जो कि हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, हम पढ़े थे कि किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए तो ये चार्ज जो है कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। और उस फोर्स की वैल्यू होती है क्या, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट फोर्स लगेगा। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होता है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा एक होल, यहां एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक होल प्रोड्यूस हुआ। अब ये जैसे ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सेपरेट करता है, मतलब जंक्शन फील्ड इसको सेपरेट करता है, राइट। तो जंक्शन फील्ड इस जनरेटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और ये जनरेटेड होल्स को सेपरेट करता है, कैसे, डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, होल होल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, होल इधर आ गया, राइट। तो होल इधर आया, एक होल यहां पी टाइप में आके यहां एक होल डिपोजिट हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया और यहां जाके डिपोजिट हो गया, दूसरा एटम आया, दूसरी बार बॉम्बार्डमेंट हुआ फोटॉन्स का, फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ, फिर दूसरा होल इधर सेपरेट हो गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर सेपरेट हुआ, फिर तीसरी बार आया, तीसरा होल इधर, चौथा होल इधर, पांचवा होल इधर, और इधर इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो रहा है, राइट, ठीक है। तो जब यहां होल और यहां इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसे मिटाऊं, समझाने का तरीका था ये, हम क्या करते हैं, जैसे ही ये फिनोमिना होता है, ऐसा घटना होता है, इस तरह का कांड होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके ना दोनों टर्मिनल को ना किसी बैटरी के किसी बल्ब के साथ, ये लोड रेसिस्टेंस मान लीजिए बल्ब या जो भी चीजें हो हमारी, ठीक है, हम इसे कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, और जैसे ही वायर से कनेक्ट करते हैं, तो ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल और ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से इधर से करंट सर्किट में आ जाता है, और जो चीज यहां हम लगाए हैं
वो चीज ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो करंट का फ्लो आ गया क्या सर्किट में? हां आ गया, समझ गए। अब यहां पे और दो तीन बात जो हम आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। देखिए ये जो एन टाइप है, देखिए यहां पे इस ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। एन टाइप में ना इस तरह का फिंगर टाइप का एक मेटल प्लेट हम इस पर डिपोजिट करते हैं। इसका कारण जानते हैं कि मेटल प्लेट क्यों देते हैं। तो ये एन टाइप के ऊपर लगाया है ना मेटल प्लेट, तो ये एन टाइप का और यहां पे ऐसे मेटल प्लेट लगा दिया, राइट। इस तरह का मेटल प्लेट, देखिए मेटल प्लेट क्यों लगाए हम। मेटल प्लेट लगाने का कारण, बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर एक्सट्रैक्ट हुआ, अब ये तो सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है खुद का कि सेमीकंडक्टर में चार्ज का फ्लो नहीं के बराबर होता है। मतलब चार्ज उतना तेजी से उतना फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाता है जितना कि मेटल में होता है, राइट। सेमीकंडक्टर उतना कंडक्ट नहीं कर पाता है, फ्लो नहीं करवा पाता है चार्ज को जितना कि मेटल करवाता है। तो क्या होता है बच्चों कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तो इस फील्ड यहां पे एन टाइप में कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये मेटल क्या करता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है। मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ये मेटल अपनी ओर खींच लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यहां इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ये खींच लिया। मतलब मैक्सिमम जगह पे क्या करते हैं, मेटल देते हैं ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी जनरेट हो तो ये मेटल क्या करे, एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब जब ये मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इस मेटल में तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से मूव कर जाएगा, सो ये तो मेटल भी हो गया और मेटल में इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रीली मूव करता है। तो ये जैसे एक्सट्रैक्ट करता है यहां पे मेटल फ्रीली मूव करता है और मूव करते करते ये इस एंड पर डिपोजिट हो जाता है। जनरेट यहां हुआ इलेक्ट्रॉन, उसे मेटल उसे एक्सट्रैक्ट किया और मेटल जैसे ही कंडक्टर हो गया, मेटल हो गया, उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव किया और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहां एक वायर कनेक्ट किया जिसके साथ यहां इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। और इसका मकसद क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव चार्ज का मकसद क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना, बोलो ना। हाँ हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट हुआ इस मेटल में, इस मेटल के थ्रू ये वायर के थ्रू होते 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 हुए इधर पास होते हुए ऐसे ऐसे करके फिर होल के पास आ गया। फिर ये सर्किट क्या हो गया, पूरा हो गया। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव टर्मिनल में आके डिपॉजिट हो गया, राइट। तो चार्ज का फ्लो आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, बोलो ना। हाँ राइट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। यहां पे फिर से एक बार फिर से हम समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे फोटॉन्स आया, सोलर एनर्जी आया, सोलर एनर्जी किसी एक एटम पर पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस डिप्लेशन रीजन में जनरेट हुआ, यहां पे जंक्शन फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप एन साइड और होल्स को पी साइड सेपरेट किया, वो सेपरेट मेटल्स लगा हुआ है वहां पे, मेटल उसको एब्जॉर्ब किया, एब्स्ट्रैक्ट किया और मेटल उसे वायर के थ्रू जैसे दूसरे एंड पर डिपॉजिट किया। यहां पे मेटल लगा हुआ है, यहां पे मेटल भी लगा हुआ है, ये डिपॉजिट किया और यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया इधर वायर से जैसे ही कनेक्ट किए, इसे एक रास्ता दिखा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने के लिए, तो ये बड़े आराम से इस वायर के थ्रू पॉजिटिव एंड पर पहुंच गया। तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर गया, इसलिए क्या आ गया, करंट। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसलिए करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो ये काम होता है सोलर सेल में, ओके। तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल आया और ये नेगेटिव पोटेंशियल आया, तो ये पोटेंशियल का डेवलपमेंट भी हुआ, दैट इज ए प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, हियर दैट इज ए प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ है, ये पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ है, तो ये पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस एनर्जी फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट से,
फोटॉन्स का बॉम्बार्डमेंट एटम पे हुआ, एटम इलेक्ट्रॉन फ्री किया, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ तो मूव करना स्टार्ट हुआ। तो फाइनली हम एक शब्द में ये कह सकते हैं कि यहां पे जो वोल्टेज का जनरेशन हो रहा है, दिस जनरेशन ऑफ वोल्टेज इज ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ फोटोन्स, दैट इज कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ फोटोन्स, राइट। तो ये जो फोटो जनरेट हुआ है ये फोटोन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से हुआ है, इसलिए ये जो वोल्टेज है इसे कहते हैं फोटो वोल्टेइक मोड, मतलब जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ फोटोन। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे जो वर्ड है, ये जो वर्ड आया था फोटो वोल्टेइक मोड, तो इसे हम लोग आराम से लिख सकते हैं फोटो वोल्टेइक मोड क्या होता है। तो इसे मिटाकर यहां पे हम आपको बताते हैं फोटो वोल्टेइक मोड क्या होता है। फोटो वोल्टेइक मोड तो लिखेंगे हम लोग फोटो वोल्टेइक मोड, फोटो वोल्टेइक मोड, राइट। द फिनोमिना ऑफ जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ फोटोन इज कॉल्ड फोटोवोल्टेइक मोड। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, फोटोवोल्टेइक मोड। क्या होता है एक बार फिर से, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ फोटोन, फोटोन के बॉम्बार्डमेंट के वजह से, जो फोटोन के बॉम्बार्डमेंट, यहां से फोटोन गिर रहा है डिप्लेशन रीजन में, एटम्स पे गिर रहा है और एटम से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स जंक्शन फील्ड के कारण सेपरेट हो रहा है और सेपरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मेटल पे आता है और मेटल से ये क्या होता है, बड़े आराम से वायर कनेक्टेड रहता है, ये ऐसे ऐसे सर्किट पूरा कर लेता है जिसके कारण करंट आ जाता है। तो यहां पे जो वोल्टेज का जनरेशन हुआ, ये हाई टर्मिनल और ये लो टर्मिनल, ये किसके वजह से हुआ, फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फोटोवोल्टेइक मोड। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक ना। अब हम इस डायग्राम को बताने वाले हैं, यही सेम चीज हम इस डायग्राम में कोरिलेट करते हैं इस डायग्राम से। तो इधर थोड़ा सा मिटाना होगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, हम यहां पे मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है बच्चों। ओके सर, समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है तो बोलो ना। हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाओ यार, कमेंटमेंट करो। हाँ डरवर है या मेरा, कोई बात नहीं, डर नहीं है। इधर देखो, तो ये पी साइड हो गया और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, तो ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। बच्चों कुछ यहां पे खास चीज दिख रहा है कि पी साइड सर बहुत थिक लेयर है और एन साइड का बहुत थिन लेयर है, ऐसा क्यों किया? तो रीजन कि क्यों थिक रखे हैं, क्यों थिन रखे हैं, एक चीज तो रीजन मालूम पड़ गया कि हम मेटल, यहां मेटल क्यों यूज करें, राइट। और ये फिंगर मेटल क्यों, मेटल आप यूज किया और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो पूरा ही मेटल क्यों नहीं लगा दिए, जब मेटल अच्छा चीज है, राइट। जब मेटल अच्छा चीज कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप पूरा क्यों नहीं दे दिए, ये थोड़ा सा क्यों। और बताए क्या, मेटल जो होता है ना, अगर 100% इसको लें, इसके विड्थ को, इसके एरिया को, तो मेटल जो होता है ना वो 15% ही होता है, 15% ओनली। क्या ये क्या है, फिंगर मेटल, राइट। और ये थिन क्यों, रीजन पहला रीजन कि हम इसे 15% ही क्यों रखते हैं, 15% ही अपने फिंगर मेटल को क्यों रखते हैं और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों रखते हैं, रीजन हमारा मकसद ये हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों हो रहा है, फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से, मतलब सनलाइट आने आए, कहां आए सनलाइट, तो पीएन जंक्शन के पास, और यहां पे पीएन जंक्शन कौन है, कहां है, ये है पीएन जंक्शन, ये है पी और एन का जंक्शन, ये है पीएन जंक्शन, ये है पीएन जंक्शन, राइट। तो ये है बच्चों क्या, पीएन जंक्शन। तो
हम इसे एन टाइप को थिन इसलिए रखते हैं क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी जो सनलाइट का आए वो डायरेक्ट डिप्लेशन रीजन में पहुंच पाए, ये डिप्लेशन रीजन जंक्शन के पास पहुंच पाए, पी और एन के बीच जो जंक्शन है वहां पहुंच पाए, इसलिए इसको थिन रखते हैं। कितना थिन रखते हैं मालूम है क्या? ये अगर 300 माइक्रो एम्पियर है, 300 माइक्रोमीटर इसका अगर लेयर है थिकनेस, तो ये पता है कितना रहता है इसके कंपैरिजन में? 0.3 माइक्रोमीटर ऑलमोस्ट। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो मान लीजिए ये कॉपी है, ये कॉपी है ना, तो कॉपी में बिल्कुल इतना, ये देखिए, ये हो गया एन, ऊपर वाला क्या हो गया एन, ठीक है, और ये हो गया पी। बस ये कंपैरिजन अगर करें तो ये कंपैरिजन आता है, मतलब ये पतला, बहुत पतला है, एकदम थीन है, ये एन टाइप है। और ये थीन इसलिए रखा जाया है क्योंकि हमको इस पीएन जंक्शन के पास सनलाइट को पहुंचाना है, इसलिए ये थीन रखा जाता है। और ये थिक रखा जाता है, ये थिक रखा जाता है, राइट? तो समझ गए अब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट जो ऊपर से गिर रहा है पी पर, वो जंक्शन के पास पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं इस पर इस तरह की चीजें, इस तरह का फिंगर हम डालते हैं ताकि एनर्जी इस पर इंसिडेंट हो, एनर्जी इसके बीच भी पहुंच पाए। मैक्सिमम एनर्जी मकसद है पीएन जंक्शन के पास पहुंचाना, इसलिए हम ये मेटल कैसा रखते हैं? फिंगर टाइप का, फिंगर मेटल कहते हैं हम इसे। डायग्राम में हर चीज को मेंशन करना होगा आपको, जितना नीट एंड क्लीन आप जितना मेंशन करके डायग्राम बनाएंगे बच्चों, विश्वास मेरा मानिए, लैंग्वेज आप क्या लिखते हैं डजंट मैटर, बट जो वहां पे एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, आपको सिर्फ डायग्राम देख के पूरा मार्क्स दे सकता है, राइट? तो ये फिंगर मेटल है और इसको 15% का हिस्सा रखते हैं मात्र, कारण कि मैक्सिमम एनर्जी जंक्शन के पास पहुंच पाए। मैक्सिमम एनर्जी जंक्शन के पास पहुंचेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन होगा उतना ज्यादा करंट पास होगा सर्किट में। दूसरा, एन को थिनर क्यों रखते हैं? एन को थिनर इसलिए रखते हैं, फिर वही रीजन कि मैक्सिमम सनलाइट क्या हो, जंक्शन के पास पहुंचे, इसलिए हम इसको क्या रखते हैं? थिन रखते हैं एन टाइप को, ठीक है? तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया और बाकी चीजें आप जानते ही हैं, यहां पे सारा चीज डील किया हुआ है। तो ये टोटल कंस्ट्रक्शन है किसका? सोलर सेल का, राइट? अब सोलर सेल का कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं और कुछ यूज पढ़ते हैं, राइट? तो सोलर सेल का एप्लीकेशन, सर तो ये पढ़ाने की क्या, तुम लोग खुद जानते हो यार, सोलर सेल का बहुत सारा एप्लीकेशन है, राइट? तो इधर मैं सोलर सेल का एप्लीकेशन लिखूं, आप फिलहाल वो नोट करेंगे हर एक चीज को, डायग्राम को एकदम नीट एंड क्लीन बनाएंगे आप। तो इसका एप्लीकेशन यूज, ठीक है, सोलर सेल का यूज या एप्लीकेशन या एडवांटेज कहां होता है? तो पहला, हम सोलर सेल को ना यूज करते हैं सोलर पैनल में, किसमें? सोलर पैनल, सब चीज बना होता है सोलर पैनल का, जहां पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं लेकिन वहां पे धूप तो आता ही होगा, धूप मतलब सनलाइट तो आता ही होगा, इसलिए उस पैनल को हम सोलर पैनल बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते रहता है। तो पहला हो गया सोलर पैनल। दूसरा बच्चों, इसे स्टोरेज बैटरी भी कर सकते हैं, स्टोरेज बैटरी में भी हम इसे कर सकते हैं एनर्जी को स्टोर। यहां पे हम बैटरी लगा देंगे, यहां पे कोई बैटरी लगा देंगे और बैटरी के थ्रू जब करंट पास होगा, तो बैटरी क्या होगा? चार्ज होगा। और बैटरी जब चार्ज होगा, बैटरी क्या, एक लोड है, रेसिस्टेंस है। तो बैटरी जब चार्ज होगा, मान लीजिए दिन में बैटरी चार्ज किए और रात में जब लाइट नहीं है तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा, राइट? दिन में सोलर सेल से करंट पास होगा तो बैटरी चार्ज होगा, और रात में उस बैटरी से जब सोलर सेल नहीं रहेगा, ये करंट जीरो रहेगा, तो बैटरी अपना करंट देगा। इसलिए स्टोरेज बैटरी के रूप में भी हम यूज करते हैं। आप देखे होंगे गांव-गांव में लगा रहता है, अभी तो प्रधानमंत्री का कुछ दिन पहले योजना आया था कि घर घर में, हर एक स्ट्रीट में आप देखे होंगे सोलर पैनल लगा हुआ होता है, वहां पे सोलर के कारण, गांव में, ये रिमोट एरिया में, जो बहुत दूर का एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाता है, वहां पे हम ये यूज करते हैं स्टोरेज बैटरी के रूप में,
स्ट्रीट लाइट के यूज में गांव में हम यूज कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा हो, राइट। हालांकि अब तो सब जगह पहुंच गया, फिर भी ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं। अभी तो कितना लाख हेक्टेयर किलोमीटर में मोदी जी इस स्टोरेज सोलर पैनल को लगा चुके हैं, वहां जहां पे कल्टीवेशन नहीं होता है, ठीक है, इरिगेशन नहीं होता है, खेती बाती नहीं होता है, वो डेजर्ट एरिया है, वहां पे क्या करो, सोलर पैनल ही बिछा दो, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मेगावाट एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो यूज आ गया वो लैंड, डेजर्ट एरिया यूज में आ गया, जहां पे खेती वेती नहीं होता, कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते थे, वो अब यूज होने लगा। तो ये सब काम हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, राइट। चलते हैं आगे। ओके, थर्ड यूज सोलर सेल का हम लोग जानते हैं बच्चों। बच्चों आप लोग देखोगे कैलकुलेटर में साइड में इस तरह का सोलर सेल लगा हुआ रहता है, ऐसे 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 करके कैलकुलेटर में, तो वो सोलर सेल से चलता है, वो यहाँ पे सोलर पैनल रहता है जो कि करंट सप्लाई करता है कैलकुलेटर को। तो हम कह सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, सोलर सेल को, राइट। ओके, नेक्स्ट, ये हैंड रिस्ट वॉच में भी लगा रहता है, रिस्ट वॉच में भी सोलर पैनल लगा हुआ रहता है, सोलर सेल लगा हुआ रहता है, जिसमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ऐसे रिस्ट वॉच आते हैं, या कोई सा भी वॉच, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉच में भी हम इसे यूज करते हैं, किसको, सोलर सेल को। और पांचवा लिख सकते हैं क्या, इन स्ट्रीट लाइट इन रिमोट एरिया। बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है, उतना जानना बहुत सारा है, क्या कितना कुछ जानेंगे हम लोग, बस ये कुछ 3-4-5 है एप्लीकेशन जो सोलर सेल का है। और सोलर सेल काफी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, तो 2021 सीबीएसई बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या जैक हो, कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि मैं भी, मुझे लगता है कि सोलर सेल आपका आने वाला है, और इससे ज्यादा सोलर सेल में नहीं पढ़ना है हमें। ये था हमारा सोलर सेल। तो बच्चों आज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस आपके सिलेबस का एंड हुआ। दिस वॉज द लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब बच्चों न्यूमेरिकल्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे 12th के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है वेव ऑप्टिक्स, राइट। तो आप वेव ऑप्टिक्स के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने हैं वेव ऑप्टिक्स, और एक धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, राइट। हाँ, ओके, तो हाँ, एक चीज, आप वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले ना, हमने आपको साउंड वेव पढ़ाया था, राइट, उसमें इंटरफेरेंस था, वेव फ्रंट था, ठीक है, फेज डिफरेंस था, आई मैक्सिमम ब्राइट एंड डार्क का कंडीशंस था, बच्चों डेरिवेशन था। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे ही वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करें, उससे पहले एकदम ईमानदारी से खुद के लिए आप वो साउंड वेव रिवीजन करेंगे, एकदम मेरी तरफ से, एकदम एक बड़े भाई के नाते हम आपको, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ऑर्डर ही दे रहे हैं, ठीक है। तो आप साउंड वेव को बहुत अच्छे से पढ़ के तैयार रहेंगे, और आज कल सुबह से आप साउंड वेव पढ़ लेंगे एक बार, फिर मजा आने वाला है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम वेव फ्रंट्स, इसलिए वेव फ्रंट्स आप पढ़ लेंगे। एक हिंट दे दूं कि जैसा सोर्स वैसा वेव फ्रंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।